सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टिप टॉप जेंट्स पर, जहां मैं मेंस आउटफिट आइडियाज, कलर कॉम्बिनेशन एंड अदर फैशन से रिलेटेड टिप्स एंड गाइड आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं। सो आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आ गया हूं। आज मैं आप लोगों को बिजनेस फॉर्मल अटायर के ड्रेस कोड के बारे में बताऊंगा। जब बात होती है बिजनेस फॉर्मल वेयर की, तो आपको क्या पहनना है और कैसे पहनना है, यही मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। अभी हाल ही में हमारे 1K सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एंड 1K सब्सक्राइबर्स होने पर मैंने एक अनाउंसमेंट की थी, अगर आपको किसी टॉपिक को सजेस्ट करना है जिस पर मैं वीडियो बनाऊं, तो आप किसी भी वीडियो या कम्युनिटी पोस्ट पर कमेंट करिए उस टॉपिक को। अगर मुझे टॉपिक रिलेटेबल लगेगा तो मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। एंड उस पे कुछ सजेशंस आए थे, उन्हीं में से एक सजेशन इन भाई ने किया था, जिन्होंने कहा था कि बोर्ड रूम मीटिंग में किस कलर की शर्ट पहनना है, उसके ऊपर एक वीडियो बनाइए। सो इसी सजेशन को लेकर आज मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। इसमें मैं आप लोगों को पूरी गाइड दूंगा, लाइक ऑफिस, बिजनेस एंड बोर्ड रूम मीटिंग्स में आप लोगों को किस कलर का सूट, शर्ट एंड अदर एक्सेसरीज पहनना चाहिए और किस तरह से पहनना चाहिए। सो यही मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। सो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर चैनल का वीडियो देखते हैं बट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग मोर क्लॉक्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं बिजनेस फॉर्मल अटायर, बिजनेस फॉर्मल वियर होता क्या है। यह एक बहुत ही पुराना आउटफिट है जो कि पहले की बिजनेस कंपनियों ने अपने एम्प्लॉयज के लिए बनाया था। वो चाहते थे कि उनके एम्प्लॉयज प्रोफेशनल दिखें, इसलिए यह टर्म बिजनेस फॉर्मल अटायर एज अ ऑफिस वियर या बिजनेस मीटिंग्स के लिए आया था, जिसमें कि सूट मेन होता है। हालांकि बिजनेस कैजुअल भी एक ऑफिस या बिजनेस मीटिंग का ड्रेसिंग कोड है, बट उसमें इतने स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है सूट को पहनने के, इतने की बिजनेस फॉर्मल अटायर में है। यही दोनों के बीच में डिफरेंस बताता है। अगर आप सूट को बिना किसी अधिक रूल के थोड़ा रिलैक्स्ड में पहनेंगे तो वह बिजनेस कैजुअल अटायर होगा। एंड अगर आपको बिजनेस फॉर्मल ड्रेस कोड में सूट को पहनना है तो आपको सारे स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करने होंगे। बिजनेस फॉर्मल अटायर पहनने के रूल्स चेंज नहीं हुए हैं। बिजनेस फॉर्मल अटायर में मेन होता है सूट एंड अदर एसेंशियल्स, जैसे कि शर्ट, टाई, ड्रेस, शूज एंड एक्सेसरीज एक कॉम्प्लीमेंट प्रदान करती है सूट को। चलिए अब इन्हीं सारे आउटफिट स्टफ के बारे में जानते हैं जो कि बिजनेस फॉर्मल अटायर में कैरी किया जाता है। सो बिजनेस फॉर्मल का सबसे पहला और मेन आउटफिट स्टफ है सूट्स। सूट्स की कलर की बात करें तो आपको बिजनेस फॉर्मल वियर के लिए आपको डार्क कलर सूट प्रेफर करना चाहिए, बिकॉज लाइट कलर सूट थोड़ा अनकैजुअल बना देते हैं आउटफिट को। जो लाइट कलर सूट बिजनेस कैजुअल वियर के लिए अच्छे रहेंगे, बट बिजनेस फॉर्मल अटायर के लिए आपको डार्क कलर प्रेफर करना चाहिए, जैसे कि नेवी ब्लू, चारकोल ग्रे या ब्लैक कलर सूट। आप सिंगल ब्रेस्टेड सूट एंड डबल ब्रेस्टेड सूट दोनों के साथ जा सकते हैं, बट मेक श्योर करिए कि आपके सिंगल ब्रेस्टेड सूट में मैक्सिमम 3 बटन्स हो एंड डबल ब्रेस्टेड सूट के जैकेट में आइदर 4 या फिर 6 बटन हो। थर्ड आता है, आपका सूट टू लेपल स्टाइल वाला होना चाहिए बिजनेस फॉर्मल अटायर के लिए, जिसका टाइप नॉच या पीक लेपल टाइप हो। लास्ट, अगर जो आप सूट के साथ पैंट पहन रहे हैं वह टेपर्ड फ्लैट फ्रंट वाला एंकल लेंथ पैंट होना चाहिए। नेक्स्ट आउटफिट स्टफ बिजनेस फॉर्मल अटायर ड्रेस कोड का है शर्ट्स। अगर आप एक फैशनेबल मैन है तो आपके वार्डरोब में एक लॉन्ग स्लीव बटन अप ड्रेस शर्ट व्हाइट कलर का ऑलरेडी होगा। लकीली यही बेस्ट होता है बिजनेस फॉर्मल अटायर के लिए, बट अगर आप दूसरे कलर्स ट्राई करना चाहते हैं तो आप उसके साथ भी जा सकते हैं, लाइक एज लाइट ब्लू शर्ट एंड लाइट पिंक शर्ट या फिर अदर कोई लाइट कलर शर्ट। सेकेंड है, आपकी शर्ट फ्रेंच कफ्स या बैरल कफ की ही होनी चाहिए। आपकी शर्ट आपके परफेक्ट फिट होनी चाहिए एंड ना ज्यादा टाइट एंड ना ज्यादा लूज। नेक्स्ट आउटफिट स्टफ बिजनेस फॉर्मल ड्रेस कोड का है टाई। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको ज्यादा फ्लैशी और ब्राइट कलर की टाई नहीं कैरी करनी है, डार्क सॉलिड कलर प्रेफर करिए। बेस्ट ऑप्शन रहेगा एक ब्लैक डार्क सॉलिड कलर की टाई। आप दूसरे सिंपल पैटर्न भी ट्राई कर सकते हैं, बट आप जो भी टाई कलर पहने मेक श्योर करिए कि वह आपके सूट एंड शर्ट से कॉम्प्लीमेंट करे। नेक्स्ट आता है ड्रेस शूज। ड्रेस शूज एक बहुत ही वाइटल रोल निभाता है आपके ऑफिस वियर के लिए। बिजनेस फॉर्मल अटायर के लिए बेस्ट शूज जो कि आपको कैरी करना चाहिए वह है ऑक्सफोर्ड शूज। आपको प्रिफरेबली यही शूज कैरी करना चाहिए। आप दूसरे ऑप्शन के लिए भी जा सकते हैं, लाइक एज डर्बी शूज एंड ड्रेसी लोफर्स। लास्ट है बिजनेस फॉर्मल अटायर के लिए कुछ एक्सेसरीज। इसमें मैं कहूँगा कि आप एक सिंपल वॉच कैरी करें, ज़्यादा कुछ फ्लैशी पहनने की ज़रूरत नहीं है। मेक श्योर करिए कि आपकी जो बेल्ट हो उसका कलर आपके शूज़ कलर से मैच हो और प्रेफरेबली ब्लैक या ब्राउन के साथ ही जाएं। चलिए अब देखते हैं कुछ टिप्स ड्रेसिंग फॉर अ बिजनेस प्रोफेशनल बोर्ड रूम मीटिंग। अगर आपको बोर्ड रूम मीटिंग के लिए कोई आउटफिट कैरी करना है तो सबसे पहले आपको जानना होगा उसका ड्रेस कोड क्या है, कि आपकी इंडस्ट्री बिजनेस कैजुअल अलाउ करती है या बिजनेस फॉर्मल। अगर आप अनश्योर हैं इसके बारे में तो मैं ऑलवेज रिकमेंड करूंगा कि बिजनेस फॉर्मल अटायर के साथ ही जाएं, जिसके बारे में मैंने अभी डिस्क्राइब किया, बिकॉज यह सबसे सेफेस्ट चॉइस रहेगी। सेकेंड, आपको अपने ड्रेस को कैरी करना है इम्प्रेस करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए नहीं। सो बोर्ड रूम मीटिंग के सूट कलर ऑलवेज ट्राई करिए कि जो आप रूम मीटिंग में सूट पहने वह डार्क एंड सॉलिड कलर का हो और उसके साथ एक कॉन्ट्रास्टिंग कलर की शर्ट पहने, लाइक ब्लैक, नेवी ब्लू और चारकोल ग्रे शूट एंड व्हाइट, लाइट ब्लू और पेल पिंक शर्ट। बट अगर यह एक सिंपल बोर्ड रूम मीटिंग है सो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि वाइट शर्ट एंड ब्लैक सूट बहुत ही ज़्यादा अच्छा एंड सेफेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट आती है शूज़ की बारी। आप ऑक्सफर्ड एंड डर्बीज कैरी कर सकते हैं अपने बोर्ड रूम मीटिंग के लिए। एंड एक लेदर ब्रीफकेस या बैग लेना मत भूलें जो कि आपके शूज़ के कलर के साथ मैच होना चाहिए, और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ब्राउन या ब्लैक के साथ ही जाएं। सो ये कुछ टिप्स थी जो कि आपको बिजनेस फॉर्मल मीटिंग्स, ऑफिस एनवायरमेंट या बोर्ड रूम मीटिंग्स में क्लासी दिखने में मदद करेंगी। चलिए आपको कुछ बोनस टिप्स दे देते हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे। सो इसमें पहला है कि आपको अपने हेयर स्टाइल को सिंपल एंड अच्छे से ब्रश करना है। एंड आप जितने भी मैंने अटायर मेक श्योर करिए कि वह वेल आयरन्ड हो, आपकी शर्ट वेल आयरन्ड हो, आपके शर्ट के कॉलर वेल आयरन्ड हो, आपके सूट एंड पैंट्स वेल आयरन्ड हो, एंड दैट्स इट। ये सारे टिप्स फॉलो करें एंड शो करें अपने बोर्ड को दैट आपके पास वह है जो कि कंपनी को सक्सेस दिला सकती है। सो आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो का एक भी पार्ट आपके लिए हेल्पफुल रहा है सो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एंड अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरीज है या फिर आपको कोई टॉपिक सजेस्ट करना है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ, कमेंट करिएगा, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। एंड एट लास्ट अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल का वीडियो देखते हैं बट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन दबा दीजिएगा। सो दैट्स इट, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।